बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से अपना एक नया टॉपिक का आगाज़ करना है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्लियर? तो कंडक्शन को बुनियाद बनाकर हमने आगे उसकी टाइप्स और प्रोसेस को लेकर चलना है, ताकि हम सेल्स, उसकी वर्किंग, उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह को समझ सकें। क्लियर होगी बात? तो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय टुडे केमिस्ट्री बाय मोहम्मद अलहानून, क्लियर, फ्रॉम ऑक्सले एकेडमी ऑफ साइंस। सो सब्सक्राइब भी करना है और आपने शेयर भी करना है इस चैनल को। लीजिए, आज हम स्टार्ट करने लगे कंडक्शन। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कंडक्शन किसे कहते हैं। हम कहते हैं कंडक्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का पास करना इज नोन एज कंडक्शन। ठीक, तो यहां पे हमें पता चल गया कि हम लोग असल में जो चीज समझने के लिए इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज करंट का जो है वो पैसेज, किसमें से इलेक्ट्रॉन अपना सॉरी करंट फ्लो करता है, किसमें से करंट फ्लो नहीं करता। क्लियर होगी बात? तो कंडक्शन बेसिकली दो किस्म की है। कितने किस्म की है ये? दो किस्म की है। एक हमारे पास है मेटेलिक कंडक्शन, दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, तो यहां से बुनियाद पड़ेगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, क्योंकि हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में दोनों किस्म की कंडक्शन है, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस, ब्लेवॉनिक सेल वगैरह वगैरह ज्यादा पढ़े जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम दोनों को फोकस करेंगे। तो मेटेलिक कंडक्शन में, इसमें जो कंडक्टर है वो मेटल्स हैं, इसमें जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इसमें और इसमें बेसिक फर्क क्या है? ठीक है, मेटेलिक कंडक्शन किसे कहते हैं? हम कहते हैं कंडक्शन या फ्लो ऑफ करंट या पैसेज ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलिक कंडक्शन थ्रू अ मेटल। इसमें जो कंडक्शन होती है ऑफ करंट वो क्या होती है? ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक हो गया, अब बेसिक चीज, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन क्या कहलाती है? मेटेलिक कंडक्शन। और फ्री आयंस की वजह से कंडक्शन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो हमारे पास है मेटल्स है वो दो अपना एक ही स्टेट में पाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम दो स्टेट में देखते हैं। ठीक है, तो सुनिए, इधर जो मेटल्स और इधर वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में ओनली। ठीक है, जैसे वायर्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होती है ना, करंट पास करवा रही होती हैं,
लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म से आपको मिलेगा, एक एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में और एक मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म में। क्लियरली अगर हम मैं थोड़े से वजाहत करूँ, ये तो मैटर है ना, मैटर तो समझ आती है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोई ना कोई आयोनिक कंपाउंड होता है, कोई ना कोई आयोनिक कंपाउंड होता है। तो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड में आयन सॉलिड स्टेट में फिक्स होते हैं, कोई मूवमेंट ऑफ आयन्स पॉसिबल नहीं है। फ्री आयन्स होने के लिए या उसे एक्वस सॉल्यूशन में आना पड़ता है या उसे मोल्टन फॉर्म में जाना पड़ता है। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एक एनोड से दूसरे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक का करंट का फ्लो और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या कहलाता है, मेटालिक कंडक्शन। सही है। और अगर आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना करंट मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। बात तो ये हम लोग थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जैसे कि करंट थ्रू कॉपर वायर, जैसे कॉपर वायर है उसके जरिए करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली मेटालिक कंडक्शन होगा। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि अपना कोई वायर है, ठीक है जी। अब वायर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से डेफिनेटली इधर मूव करेगा, इधर से 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 इधर, और इधर जो भी पॉजिटिव एंड पड़ा होगा उधर पहुंच जाएगा। ये आएगा कहां से, नेगेटिव एंड से। इसका मतलब है ये नेगेटिव एंड से जनरेट होगा और पॉजिटिव एंड तक पहुंच जाएगा। क्यों, इन सब में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। असल में ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव के पास जाता है, ठीक है, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस पे चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे छीनेगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो फिर इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा तो फिर इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव इधर को फ्लो करता है और नेगेटिव इधर को फ्लो करता है, तभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट मूव करे तो पॉजिटिव पार्टिकल्स राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। क्लियर हो गया बात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। तो ये सिंपल सी हमारे पास चीजें थी जो मेटेलिक कंडक्शन के बारे में थी। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में जानते हैं। फिर एक बार अब यहां देखो, पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एंड एंड नेगेटिव आइंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ सेल और बैटरी, क्लियर, वेयर इलेक्ट्रोलिसिस अकर और करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ रहे होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं, डेफिनेटली फिर करंट क्या हो जाता है, सिंपल पास आउट हो जाता है, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मसलन ये वाला हमारे पास है ना जी, कोई भी इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है, इस पे डेफिनेटली चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पे क्या है, नेगेटिव है। सही है। तो यहां पर मैं बोलता हूं, सपोज NaCl, NaCl
सही है। अब जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, पॉजिटिव डेफिनेटली किधर जाएगा? इसकी तरफ, और नेगेटिव किधर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। तो ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। ये जाकर इधर इसे अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसे पे देगा, ठीक है। वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर से होके इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव जाके इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा इधर, वो बाहर से होता हुआ आया इधर पहुंचा, ये पॉजिटिव वाला उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नेगेटिव वाला इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इधर जाके पॉजिटिव वाला उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का सर्किट मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन ये है किस वजह से, ये फ्री आयंस की वजह से। तो जो फ्री आयंस की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही बनाते हैं। ओके, अच्छा। अब ये जो फ्री आयंस हैं, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं ये आयोनाइजेशन से, ठीक है। ये किससे बनते हैं? आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं? सिंपल, द प्रोसेस इन विच आयोनिक कंपाउंड स्प्लिट इनटू इट्स आयंस बाय फ्यूजन और बाय डिजॉल्विंग इन वाटर। या वो फ्यूज हो जाए या वो पानी में जाके हल हो जाए, तो वो क्या बना दे? आयंस बना दे। तो दैट इज नोन एज आयनाइजेशन, ठीक है। तो स्प्लिट हो जाना अपने आयंस में, कैसे स्प्लिट होते हैं? बस लाइन क्या मैं देखो, लाइक CaCl2 है, लाइक NaCl है, ठीक है जी। दोनों चीजें हैं। अब ये सॉलिड है, आप इसको क्या कर देते हो? फ्यूजन कर देते हो। फ्यूजन कैसे होती है? मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, सही। ये मेल्टिंग पॉइंट से ये सॉलिड से जाता है लिक्विड में। तो जब लिक्विड में जाता है तो कैल्शियम आयन अलग हो जाते हैं और क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये टू सीएल बनेंगे और चले जाएंगे किस फॉर्म में? लिक्विड स्टेट में, नॉट एक्वस स्टेट, लिक्विड स्टेट में। तो जब ये लिक्विड स्टेट में जाते हैं, डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में आयंस बंधे होते हैं। तो हम उसे एनर्जी देते हैं, कितनी? लेटेस्ट एनर्जी के राउंड अबाउट, उससे कम ही होती है, क्योंकि लेटेस्ट तो उसे गैसियस आयन में बदल देती है। तो फ्यूजन एनर्जी जो उसे चाहिए होती है, हीट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड में जैसे जाता है आयंस फ्री हो जाते हैं। अब ये NaCl सॉलिड है, क्या जी? सॉलिड है, सॉलिड है। आप इसे क्या करें? पानी में डाल दें, एक्वस मीडियम में डाल दें। तो पानी में डालेंगे तो इसके आयन सेपरेट हो जाएंगे, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, और दोनों किसमें चले जाएंगे? एक्वस मीडियम में चले जाएंगे, ठीक। दोनों एक्वस मीडियम में चले जाएंगे। तो जब एक्वस मीडियम में चले गए तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गए? आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, सही हो गया। अब ये तो था आयोनाइजेशन, क्लियर। अब आयोनाइजेशन जब हो जाती है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हो जाती है, तो जब ये कंडक्शन होती है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोई क्रॉस एक्सचेंज आ रहा है, नेगेटिव इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोई चक्कर आ रहा है। तो ये सारे का सारा कौन करवा रहा होता है? एक बैटरी करवा रही होती है, ठीक है। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा होता है, एक बैटरी करवा रही होती है, सही है। तो बैटरी के जरिए कोई काम हो रहा होता है, क्योंकि हम करवा रहे हैं, तो ये नॉन स्पोंटेनियस रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के दौरान जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि उस वक्त केमिकल चेंज आती है। जैसे यहां पे मैं अगर आपको कहूं ना कि मेटेलिक कंडक्टर, तो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट बहता है इसके दौरान कोई
केमिकल चेंज नहीं आती, ठीक है, लेकिन यहां पे हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन अकर होता है और केमिकल चेंज आती है, केमिकल चेंज आती है। अब उस केमिकल चेंज को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, उस केमिकल चेन को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। Which occur in the expense of electrical energy is called electrolysis। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है और इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवा रही है। अब मैं एक सिंपल सा जो है वो एक सेल डाउन सेल की एग्जांपल देके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन समझाना चाहता हूँ, ताकि उसको हम अच्छे से वाइंड अप कर सकें और हम समझ सकें कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस कैसे सर अंजाम पाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सोडियम ये है। अब ये जो नेगेटिव वाला होता है ये होता है एनोड, और ये जो पॉजिटिव वाला होता है ये है कैथोड। क्यों, कैथोड सॉरी ये एनोड होगा, ये एनाइन को कहता है, बिल्कुल ठीक, ये एनोड होता है और ये होता है कैथोड। हाँ अब ठीक है, अब मैं असल में वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो करवाना चाहता हूं कि कैथोड पे समझना है क्या हो रहा है और एनोड पे समझना है क्या हो रहा है और कंडक्शन आपको समझ आ जाएगी। कैथोड डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज। इसकी फर्दर डेफिनेशन किसे कहते हैं, कैथोड उसे कहते हैं जहां पर हमेशा क्या होती है रिडक्शन, और एनोड उसे कहते हैं जहां पर हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन। अब सुनिएगा कैसे, ये कैथोड है नेगेटिव, इसके तरफ कौन आएगा पॉजिटिव वाला, ये सोडियम आएगा उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा सोडियम लिक्विड फॉर्म में, यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, इसे कहते हैं ये डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा, प्योर हमें सोडियम मेटल हासिल हो जाएगी। ओके, दूसरे स्टेप में ये कलोरीन गैस अपना कलोरीन आएगी, ये नेगेटिव वाला है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा पॉजिटिव वाले को, ठीक है, और क्या बना देगी कलोरीन गैस बना देगी, ठीक है, और ये गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यहां से हमें सुनिएगा कि ये -1 कन्वर्ट हुआ है 0 में तो क्या हो गई ऑक्सीडेशन, ये +1 कन्वर्ट हुआ है किसमें 0 में तो यहां पे कम हुआ है तो उसे कहते हैं रिडक्शन हो गई। तो एक तरफ रिडक्शन हो रही है दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर होना ये इलेक्ट्रोलिसिस है। और ये कौन करवा रहा है, एनोड और कैथोड, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस वजह से है, बैटरी की वजह से है, तो अगर बैटरी ना होती तो ये उसे पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन ना देता और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ना लेता, इस वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मुमकिन है नहीं थी। सही है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं। जो करंट गुजर गया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकली जा रहे एक तरफ से आई जा रहे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन गया। सही है, इधर इलेक्ट्रॉन जाई जा रहे हैं और इधर से निकली जा रही, जाई जा रहे निकली जा रही, एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस चल गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वैसे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के जरिए, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है मैंने बता दिया, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में, एक्वस या मोल्टन फॉर्म में फ्री आयंस होते हैं। सही है, तो आज जो हमने पढ़ा मैं रिपीट कर देता हूं, हमने पढ़ा है कंडक्शन, क्या पढ़ा है कंडक्शन। तो कंडक्शन जस्ट करंट का फ्लो, ठीक है, अब वो करंट का फ्लो है वो दो तरह से होता है,
मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट है तो फ्री आयंस, आयंस के जरिए इलेक्ट्रोनेटिक, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए मेटालिक, सही हो गया। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी जगह दूसरा ले लेता है, कोई केमिकल चेंज नहीं आती। लेकिन यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है न्यूट्रल हो गया केमिकल चेंज आ गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता है न्यूट्रल होगा केमिकल चेंज आ गई, तो इस वजह से यहां पे केमिकल चेंज आती है, यहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं आती। यहां पे अपोजिट आयंस अपोजिट पोल्स की तरफ भागते हैं ऐसे, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कह रहे हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही, रिडक्शन हो रही, दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रही, सही है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के दौरान जो उन पार्टिकल से सलूक होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। करवाता कौन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस सेल में होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्लियर हो गया। तो यहां तक आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, इसमें हमने डिटेल आपको बताई कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती क्या है। मेटेलिक कंडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, और अब हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की एग्जांपल पढ़नी के आयनाइजेशन से जो आयंस बनते हैं, फिर आयंस ऑपोजिट आयंस की अपना पोल्स की तरफ मूव करते हैं, वहां एक तरफ ऑक्सीडाइज होते हैं दूसरी तरफ रिड्यूस होते हैं और केमिकल चेंज आती है और रिडॉक्स रिएक्शन होता है, सही है, और करंट का फ्लो होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं, क्लियर होगी बात। तो यहां तक हमारा कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वाला चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, अगर कोई लेक्चर और किस्म का रिक्वायर्ड हो, आपको किसी और टॉपिक पे रिक्वायर्ड हो, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, क्लियर, और या कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि मैं उसे पढ़ के आपको जो भी मैक्सिमम दे सकूं वो आपकी हेल्प हो जाए, क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। टुडे केमिस्ट्री।